हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में मैट्रिक का एक क्वेश्चन है, रीजनिंग का सवाल है। चूंकि इस क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इस क्वेश्चन को हम लोग यूं कर देंगे, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन नंबर भी दिया हुआ है ए बी सी डी, और हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स का क्वेश्चन का सवाल है, ठीक है, क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये कॉलम होता है, ये रो होता है। पहले हम लोग देखते हैं कि कॉलम में संबंध है या नहीं। 7, 4, 6 ऐसा क्वेश्चन अगर आपको पूछ दिया तो हमें क्या करना होता है, अगर हम कॉलम में संबंध देखेंगे या रो में संबंध, इन दोनों में ना कोई संबंध जरूर होगा। जैसे हमारे पास रो में देखते हैं, अगर रो में देखते हैं तो 7, 14, 4 इसमें संबंध कैसे हम कर सकते हैं। अगर देखिए, अगर हम 14 में बीच वाला का देखिए, 14 में 7 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2 मरते में कट जाएगा तो हमारे पास 2 बचा। अगर 2 का वर्ग करते हैं तो हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार जैसे पहला स्टेप तो पूरा हो गया, पहला स्टेप पूरा हो गया। अगर दूसरा स्टेप देखते हैं इसमें भी होता है कि नहीं। अगर हम लोग 12 को 4 से, देखिए 4 है ना, 4 से भाग देंगे तो हमारे पास 4 तिहाई 12, अगर 3 आ गया और 3 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास 9 आ गया। देखिए 9 भी आ गया, दूसरा स्टेप भी पूरा हो गया, तो अपने आप तीसरा स्टेप यही वाला होगा, ठीक है। तीसरा स्टेप दिखा देता हूँ आप लोगों को, 24 है, 24 में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 6 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि 4 मरते में 24 कट जाता है। अगर 4 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास 16 आएगा, जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।